मत्ती की किताब 12 अध्याय और उसके 35वें पद में लिखा हुआ है, जहां पर यीशु उस बात को कंटिन्यू कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि जो मुंह से निकलता है वो दिल में भरा है। अच्छा आदमी दिल में भरे हुए अच्छे खजाने से अच्छी बातें निकालता है और बुरा आदमी अपने दिल के बुरे खजाने से बुरी बातें निकालता है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी आज भी गिल्ट में जी रहे हैं, आज भी उस अपराध बोध में जी रहे हैं, और वो अपराध बोध, वो गिल्ट परमेश्वर के सुसमाचार के विरोध में है। और सुसमाचार क्या है? कि मेरे अपराध क्षमा हुए, मेरे अपराध उसने उतनी दूर कर दिए जितने पूर्व और पश्चिम, और ये हुआ है उसके पुत्र के खून के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा। लेकिन उस पर विश्वास करने के बावजूद भी वो पाप की यादें, वो गुनाहों की यादें सताती हैं। इसका मतलब ये है कि उसके खून की ताकत पर ईमान उतना मजबूत नहीं है जितना कि तुम्हें अपने गुनाहों पर यकीन है। गुनाहों की यादें इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि बार 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 मेडिटेट किया गया है। तुम अक्सर अकेले बैठकर क्या सोचते हो? उन्हीं पुरानी बातों को, और वो पुरानी बातें और ज्यादा मजबूत होते जाती, वो गुनाहों की यादें और ज्यादा मजबूत होते जाती। और फिर जब कोई चीज गढ़ बन जाती है, स्ट्रांग होल्ड बन जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है उस चीज से निकलना। साइकोलॉजी में जितनी भी खोजें हुई हैं, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि जब एक इंसान अपने मन में लगातार अवसाद से भरा हो, लगातार दोष भावना और गिल्ट से भरा हो, वो आदमी बीमार पड़ने लगता है, उसका शरीर प्रभावित होने लगता है। इसलिए हमारे बनाने वाले, हमारे परमेश्वर ने, जब वो इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु ने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने कहा, मन को बदलो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य कहां है? तुम्हारे भीतर। अपने दिल को बदलो, अपने विचारों को बदलो, ये उसने कहा। गलत प्रकार के विश्वास आपको असफलता के रास्ते में ढकेल देंगे। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को पैरालाइज्ड कर दिया जाएगा अगर आप लगातार दुश्मन को मौका देंगे अपने अंदर विचारों को डालने। सोच बहुत जरूरी है, सही विचार बहुत जरूरी है। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है? परमेश्वर का वचन सही है, परमेश्वर का वचन सत्य है, और इस वचन और उसके सत्य पर हमारा मन स्थिर होना चाहिए। हमारे मन को हम यही खिलाएं, उसके वचन का मन्ना खिलाएं, उसके कलाम का मन्ना खिलाएं। जब आपकी सोच सही होगी, जब आपके विचार सही होने लगेंगे, तब आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में महान बदलाव आने लगे हैं। आप असफलता के उस अंधेरे गर्त से निकल जाएंगे जब आपके मन के विचार नए होने लगेंगे। आज ही से अपने मन को नया करने का कार्य शुरू कीजिए। अपने मन को और अपनी निगाहों को उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर लगाइए। आप मसीह यीशु में कौन हो? आप मसीह यीशु में कौन हो? इस बात की पहचान में अपने मन को नया करना आवश्यक है। और मैं दुआ करता हूं कि आप यीशु मसीह से मुलाकात करें। किसी प्रकार के बड़े बड़े कलीसियाओं, बड़े बड़े पासबानों, बड़े बड़े सिद्धांतों से नहीं, पर यीशु से मुलाकात हो, यीशु नासरी से मुलाकात हो। क्योंकि जब यीशु से मुलाकात होगी, जब मसीह से मुलाकात होगी, तो जिंदगी की खूबसूरती आपको खुद दिखाई देने लगेगी। अपनी निगाहें हमें यीशु की ओर रखनी। इसलिए आप जो सोचते हो, आपके मन में जो भी चल रहा है, जो विचार चल रहे हैं, वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप जितना सोच सकते हो उसे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए अपने विचारों को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए। प्रभु यीशु मसीह, ये जो मुझे सुन रहे हैं, इस भाई के लिए, इस बहन के, इस माता के लिए, इस पिता के लिए, इस मित्र के लिए, मैं विनती करता हूं कि
कि इसका मन नया होता जाए और परमेश्वर तेरे वचन के अनंत सत्य पर ये अपना मन लगाए और इसके मन में और इसके हृदय में तेरी खूबसूरत निगाहें बस जाएं। इनकी आंखों को खोल दे प्रभु, इनकी आंखों को खोल दे प्रभु, कि ये तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम को देख सके और इनका मन, इनके विचार तेरे वचनों से, तेरे ख्यालों से भर जाए। आप कहिए, पवित्र आत्मा, मैं यकीन करता हूं कि आप मेरी अगुवाई करेंगे एक विजयी जीवन जीने के लिए। मैं अपने विचारों को तेरे सामने समर्पित करता हूं, मैं अपने विचारों के लंगर को तुझ पर डालता हूं, मैं तेरे अनुग्रह और तेरे वचन पर विश्वास करता हूं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।